नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन सभी महीनों की आपकी जो भी घटनाएं घटी इन महीनों में, उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बच सकते हैं, उन्हें हम लोगों ने एक एक करके कवर किया हुआ है। और याद रखिए, इसमें केवल करंट अफेयर्स कवर नहीं किया जा रहा है, इसमें आपका स्टेटिक जी के भी कवर किया जा रहा है, यानी कि उन क्वेश्चंस के और बैकग्राउंड में क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन्हें भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस और भी आपके गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, चाहे सेंट्रल के हो या फिर आपके स्टेट लेवल के हो, उन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखते होंगे, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि करंट अफेयर्स से काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और इसके लिए मैंने एक मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें सभी क्लासें आपको क्रम से डली रहेंगी। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग वेबसाइट पर जाकर भी वहां से भी ले सकते हैं। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जुलाई मंथ का, और जुलाई महीने में जो भी घटनाएं घटी होंगी उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें एक एक करके देखेंगे। पितृवर्ष यानी कि हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और आप सभी को मालूम है कोरोना महामारी में कितना महत्व रहा है हमारे चिकित्सकों का, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें आपके सामने 1 जुलाई, 3 जुलाई, 30 जून, 28 जून, इसमें से आप लोग क्या लगाओगे, बताइए। तो याद रखिए, इसमें 1 जुलाई लगाओगे। 1 जुलाई को भारत भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की एक तरह से मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना, ठीक है। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें तो बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, इस बार की क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। अगर हम लोग इसके बारे में और कुछ पॉइंट आपको बताएं, क्योंकि जरूरी रहता है, मुझे लगता है कि इसके बारे में जानना, तो 1991 में भारत सरकार ने नेशनल डॉक्टर डे मनाया था 1 जुलाई को पहली बार, ठीक है, 1991 से ये मनाया जा रहा है। और देश के महान चिकित्सक, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है उसे, तो उसी में की याद में एक तरह से मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, और मुझे लगता है तो थीम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस थीम से बन जाता है आपका, किससे बन जाता है, थीम से कई बार क्वेश्चंस आपका आ जाता है, आपसे पूछ लेता है। तो इस बार की थीम क्या रखी गई थी, बताइए कुछ, अभी हाल मैंने बताया भी है आप लोगों को, बताया या नहीं, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, इस बार की थीम रखी गई थी आपकी, ठीक है। तो 1 जुलाई को क्या मनाते हैं आप लोग, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है, नेशनल सीए डे की बात हो रही है। इसमें आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 1 जुलाई या फिर 4 जुलाई, बताइए क्या करोगे आप लोग। इसमें से आप लोग लगाएंगे क्या, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूरे भारत में मनाया जाता है। और इसे आपको बता दूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 1949 को संसद के कानून में अस्तित्व में आया था, और प्रत्येक वर्ष ICAI की स्थापना के दिन, मतलब 1 जुलाई को पूरे भारत में चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है एक तरह से, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इन्हें। और इसके बारे में मुझे लगता है याद रहना चाहिए इस तरह के डे, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? तो इसमें मनोज कौशिक, रविंद्र केपाल, मनीष शर्मा, अभिमन्यु मिश्रा। तो याद रखिए अभिमन्यु मिश्रा होंगे इसमें, क्या होंगे? अभिमन्यु मिश्रा होंगे। और इनकी साल अगर एज की हम लोग बात करें तो 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, डीजीपी बने हैं, बताइए? सुरेश चौधरी, राजेश पूनिया, मुकुल गोयल, सुरेश चावला। तो याद रखिए मुकुल गोयल होंगे इसमें, कौन होंगे? मुकुल गोयल होंगे, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा की सीटें ले लीजिए, विधान परिषद की ले लीजिए, या राज्यसभा की या लोकसभा की, सबसे ज्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी कि इतनी सीटें अगर कोई जीत ले तो एक तरह से आप सोचिए कि आधे रास्ता उसने कवर कर लिया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा स्टेट 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था, और इसीलिए देखते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ 100 सीटें आपको विधान परिषद में देखने को मिलेगी और 403 विधानसभा में देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 31 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। और अभी आपको बता दूं तो वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? भारतीय वायुसेना, वायु मतलब समझ रहे हैं आकाश, विवेक राम चौधरी, मेघराज सिंह दिनकर, अरविंद कुमार मीणा, राजपाल सिंह राठौर। तो याद रखिए विवेक राम चौधरी होंगे इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए वायुसेना की बात करें, भारतीय वायुसेना की, तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी एक तरह से स्थापना रखी गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है हाल में ही? WHO ने हाल में ही किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सिंगापुर, चाइना, जापान, ब्रिटेन। तो याद रखिए चाइना को किया है। क्या है? चाइना। अगर हम लोग चाइना के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम है कि हमारा पड़ोसी है चाइना, है या नहीं? हमारा चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, और आप देखते हैं हमारा विवाद, सीमा विवाद भी चलता रहता है। लद्दाख में देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए। तो इसकी राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और WHO के बारे में बात करें तो इसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए एक बात और आपको यह बता दूं, जो आपके राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमेशा। और इस इन सभी संगठनों को मैंने कवर भी किया हुआ है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची है, उसमें जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। अगर कोई छूटा हो तो आप बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति उत्तराखंड की 11वीं मुख्यमंत्री बने? पहले आपने देखा है कोई और मुख्यमंत्री था, फिर कोई और मुख्यमंत्री बदला गया। याद नहीं कि उत्तराखंड में तो आप देखिए कि 3-3 मुख्यमंत्री चुने गए, बनाए गए, समझ रहे हैं? पहले आपने देखा होगा कि बदल के तीरथ सिंह रावत आ गए थे, उनकी जगह अब आ गए केदार सिंह रावत आए, या पुष्कर सिंह धामी, या भरत सिंह चौधरी, या सुरेंद्र सिंह नेगी। तो याद रखिए इसमें कौन होंगे? पुष्कर सिंह धामी होंगे, ठीक है। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं, और अभी याद रखिए पुष्कर सिंह धामी ही है। उत्तराखंड को आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को। ये कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 में। और इसकी राजधानी देहरादून देखने को मिलेगी। यहाँ विधानसभा में 71 सीटें हैं
राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? मरियप्पन थंगावेल, देवेंद्र झाझरिया, सुयास जाधव, फरमान बासा। तो याद रखिए मरियप्पन थंगावेल होंगे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जहां टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहीं आपके टोक्यो पैरालंपिक भी हुए हैं। ठीक है, और टोक्यो जापान में ये हुए हैं आपके। एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए? एम एस बेनू राव, के एन भट्टाचार्य, एन पी सिंह या टी सी चौधरी। बताइए इनमें से क्या लगाओगे? तो याद रखिए के एन भट्टाचार्य होंगे। के एन भट्टाचार्य को नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। देखिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसके बाद लोकपाल का गठन हुआ तो ऐसा माना जाने लगा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होना बड़ी मुश्किल है। इसमें सभी जब तक भागीदारी नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। अब आप देखिए, हम ही लोग भ्रष्टाचार यानी कि बढ़ावा देते हैं। हम लोग अपना काम निकलवाने के लिए कुछ देने लगते हैं तो वो लेने लगते हैं। राजधानी की बात करें त्रिपुरा की, तो आपको बता दूं अगरतला है। और इसकी स्थापना की राज्य बनाने की बात हो तो 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्र सरकार ने LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कर दी है, कितनी? बताइए 61 वर्ष, 62 वर्ष, 64 या 65। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस आप लोग करवाते ना उसी की बात करें, तो याद रखिए 62 साल। कितनी कर दी? 62 साल। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? मुंबई, जयपुर, कानपुर या फिर आपका पणजी? तो याद रखिए जयपुर में। कहाँ? जयपुर में बनेगा ये दुनिया का। ठीक है, राजस्थान का राजधानी है ना जयपुर, उसी की बात हो रही है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ठीक है, ये लगभग आप देखेंगे 100 एकड़ जमीन में फैला होगा, ये भी आप लोगों को। और अगर भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें क्रिकेट, अहमदाबाद आप देखते हैं जिसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग पॉइंट याद रख सकते हैं। काफी विवाद भी हुआ था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बदल के इसका नाम किया गया था। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? बताइए कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? इसमें ये ऑप्शन कह रहा है आपसे कि सुजाता मेघवाल, वर्षा पाटीकर, अंजलि गौतम, माना पटेल। तो माना पटेल होगी इसमें। क्या होंगी? माना पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन महिला खिलाड़ी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है? मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया, हैदर नाइट इंग्लैंड, मैताली राज भारत, सोफी डेविन न्यूजीलैंड। तो याद रखिए इसमें मैताली राज है। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये हमारी भारतीय खिलाड़ी हैं, पता है अभी। और इन्हें अगर हम लोग बात करें
तो मैताली ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छुड़ाया और 38 वर्षीय राज ने तीसरे वनडे में भारतीय पारी के 24 ओवर में एडवर्ड्स की 10,273 के स्कोर को पीछा छोड़ दिया है। इस सूची में इंग्लैंड सूजी बैट्स से 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मैताली राज है। अब आप कहेंगे कि भारत के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि दुनिया भर के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, भारत को आज़ादी मिलती है, आप सभी को मालूम है। कब मिलती है? 1947 में हम आज़ाद होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी राजधानी नई दिल्ली है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं, उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू साहब हैं, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश NB रमना है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अपने पड़ोसियों की बात करें तो आप देखिए, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, और श्रीलंका से हमारी जो जलीय सीमा लगती है, समझ रहे हैं आप लोग, मालदीव से भी जलीय सीमा लगती है, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? सत्यदेव नारायण आर्य, P.S. श्रीधरन पिल्ले, मंगू भाई, छगन भाई पटेल, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। और आपको बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति साहब का नाम भी लिया था, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें कौन होंगे? P.S. श्रीधरन पिल्ले, ठीक है, इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया। और याद रखिए, गोवा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसे राज्य बनाया गया था। राज्य का गठन कब हुआ था इसका? 30 मई 1987 को। और इसकी राजधानी आपको पणजी देखने को मिलेगा। यहाँ विधानसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। प्रमोद सावंत अभी यहाँ की भाजपा की एक तरह से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? बताइए, जापान, रूस, चाइना, अमेरिका। तो याद रखिए, चाइना ने ही किया हुआ है, चीन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, पूर्व अगर मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में हम लोग सक्षम हो गए, या लगाया जा सकता है, या लगाया गया, तो आप देखिए कि बहुत सारी हानि से बचाया जा सकता है होने से। मानो मानो देखते हैं कि लोगों को एक तरह से विस्थापित होना पड़ता है, लोग मारे भी जाते हैं, उनकी संपत्ति खराब हो जाती है, तो उन सभी को हम लोग रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? कर्नाटक की बात हो रही है। थावरचंद गहलोत, रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, सुदीप राव। तो याद रखिए, थावरचंद गहलोत होंगे इसमें, थावरचंद गहलोत होंगे कर्नाटक के नए राज्यपाल। अगर हम कर्नाटक के बारे में कुछ आपको बताना चाहें तो आपको बता दूं, 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य बनाया गया था, कर्नाटक को। इसकी राजधानी की बात करें तो बेंगलोर आपको इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। और यहाँ के अभी अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो वासव राज बुम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। विधानसभा में यहाँ देखिए 225 सीटें हैं, 225 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है, ये कौन थे आखिर? कवि थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे, या वैज्ञानिक थे? दिलीप कुमार को तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं? तो ये आपके अभिनेता थे, दिलीप कुमार। और इनका जन्म की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 98 साल की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। और इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को याद होगा, ये थोड़ी आप लोग भूलेंगे। विश्व चॉकलेट दिवस
ए ऑप्शन है 5 जुलाई, बी कह रहा है 6 जुलाई, और सी कह रहा है 7 जुलाई और 8 जुलाई। तो याद रखिए 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट डे। ठीक है, चॉकलेट तो आप लोगों को भी पसंद होगी। और आपको बता दूं कि यूरोप में सन 1550 में पहली बार 7 जुलाई को इस दिन को चॉकलेट डे मनाया गया था, जिसके बाद दुनिया भर में कई देशों ने में मनाया जाने लगा। और उस समय से पहले चॉकलेट विशिष्ट क्षेत्रों और देशों तक सीमित हुआ करती थी, और आज तक तो आज देखिए आज तो आपके पास भी पहुंच चुकी है। अगर पूरे विश्व की हम लोग बात करें कि पहली बार ये पूरे विश्व में कब मनाया गया, तो 7 जुलाई को चॉकलेट विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार साल 2009 में मनाया गया था पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चले आगे चले, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद दत्त का 95 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। हॉकी से जुड़े थे, क्रिकेट से जुड़े थे, फुटबॉल से या टेनिस से? तो याद रखिए हॉकी से जुड़े हुए थे, हॉकी के खिलाड़ी थे केशव चंद दत्त। ठीक है, और आपको बता दूं कि दत्त आजादी के बाद भारत को 1948 में ओलंपिक में मिली ऐतिहासिक जीत का हिस्सा भी थे, जहां टीम ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में हुए फाइनल ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। और 1948 में ओलंपिक से पहले दत्त ने 1947 में मेजर ध्यानचंद पंत चंद के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा भी किया था, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है। इनका संबंध किस राज्य से था, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या गुजरात? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के थे वीरभद्र सिंह, अच्छे मुख्यमंत्री थे। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताया जाए, तो हिमाचल प्रदेश तो आप लोग घूमने की इच्छा भी रखते होंगे। 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था। शिमला इसकी राजधानी है और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। ठीक है, और यहाँ की अभी अगर हम लोग जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कौन व्यक्ति नए केंद्रीय रक्षा मंत्री बने हैं? कौन व्यक्ति नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? अर्जुन मुंडा, प्रहलाद जोशी, सर्वानंद सोनेवाल, धर्मेंद्र प्रधान? तो आज याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। आपने देखा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, उसी समय की बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन या फिर रवीना टंडन? बताइए इसमें से किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? अमेजन की बात हो रही है, अमेजन आप देखते हैं कि एक सोशल साइट्स है, और जहाँ से एक तरह से आप लोग शॉपिंग साइट है, ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है, वो जहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हैं। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1994 में इसे स्थापित किया गया था। जेफ बेजोस के बारे में सुने होंगे, यही इसके फाउंडर थे। और इसका हेडक्वार्टर आपसे बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर, सूरत, कोलकाता या पुणे, कहाँ खोला गया है? तो याद रखिए इसका सूरत में खोला गया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश ने अब तक सबसे ऊंचा यानी कि 21.6 मीटर रेत का महल बनाया है? पोलैंड, नाइजीरिया, डेनमार्क, सऊदी अरब? तो याद रखिए इसमें डेनमार्क होगा। क्या होगा? डेनमार्क होगा। और आपने देखा होगा कि कई इंडेक्स सूचकांक आते हैं तो उसमें आप देखते होंगे डेनमार्क टॉप पर रहता है, डेनमार्क सबसे ऊपर रहता है। इसकी राजधानी कॉपनहेगन है और ये यूरोप का एक देश है, उत्तरी यूरोप का। अगला हमारा,
बासिल राजबक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने? बासिल राजबक्षे, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल या म्यांमार? तो याद रखिए श्रीलंका। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, और आपको बता दूं कि पाक जल डमरू हो या मन्नार की खाड़ी हो, ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, रखोगे या नहीं, पड़ोसी है। और आप देखते हैं कि हमारी संस्कृति काफी जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रावण के बारे में रामायण देखते होंगे तो अब आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। किसने वर्ष 2021 की स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? इसमें आपका ये ऑप्शन कह रहा है, एमिना कैंड जोरस, जाइला अवंत गार्डे, रियाना एच मूसे, चित्रा एम थुमाला। तो याद रखिए इसमें जाइला अवंत गार्डे होंगे। वर्ष 2021 का स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, इन्होंने 93वां संस्करण था, और ये पहला पुरस्कार है जो पहली बार बार अफ्रीकी मूल की अमेरिकी लड़की है जाइला अवंत गार्डे इन्होंने जीती हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? बताइए, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, करीना कपूर। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग करीना कपूर लगाओगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला है? बताइए, किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन खुला है? चंडीगढ़, मैंगलोर, मंगलोर, आगरा, देहरादून। तो याद रखिए देहरादून में खोला गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाने का यही उद्देश्य है कि लोग जनसंख्या के प्रति जागरूक रहें, समझ रहे हैं? और इसे 10 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई या 15 जुलाई? तो याद रखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है, और बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करना एक तरह से इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप देखिए कि चाइना पहले नंबर पर है, हमारा स्थान दूसरे नंबर पे हम लोग। और इस बार की थीम की बात करें तो कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, इस बार की थीम रखी गई थी। ये आप लोग याद रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए मुझे लगता है, वरना आप अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन मुझे मालूम नहीं था। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। और साल समझ रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बता देते हैं, पॉइंट ही आप लोग कहेंगे बताया नहीं है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा संयुक्त राष्ट्र का। चलिए आगे चलते हैं, किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? औरंगाबाद, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो याद रखिए इसमें नागपुर होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 2021 की कोपा कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? बताइए, किस देश की टीम ने? ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो याद रखिए अर्जेंटीना ने जीती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अर्जेंटीना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए अर्जेंटीना कहाँ है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में देखेंगे आप लोग एक देश है, और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ पॉइंट याद रखिएगा। देखिए एक बात और आपको बता देता हूँ, जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे उस समय जो आपका मैप वाला पार्ट होता है उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ है मैप का सहारा लेकर, सभी देशों के बारे में, महासागरों के बारे में, जो भी मैप का पार्ट रहता है उसे पढ़ा हुआ है। तो मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोगों ने बात की हुई है और पूरा मैप का सहारा लेकर पढ़ा है, तो जब आप भूल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने बी
विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, बताइए कौन है ये? समीर बनर्जी, तौफिक खान, हरेंद्र जी सिंह, शैलेश कुमार। तो याद रखिए समीर बनर्जी होंगे। कौन होंगे? समीर बनर्जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने यूरोप कप 2022 का खिताब जीता है? किस टीम ने यूरो कप 2022 का, माफ करिए 2020 का कप जीता है? इंग्लैंड, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड। तो याद रखिए इटली ने जीता है। किसने? इटली। और इटली यूरोप महाद्वीप का आप सभी जानते हैं दक्षिण में स्थित एक देश है, और इसकी राजधानी की बात करें तो रोम है, इसकी राजधानी है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे है आपका, किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, ऑस्ट्रेलिया के? तो आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान के थे। और माफ कर, अफगानिस्तान नहीं, सॉरी, फिर से माफी चाहता हूँ, सही लगाया है लेकिन बोल गलत दिया, बांग्लादेश के थे। और आप सभी जानते हैं बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, इसकी ढाका इसकी राजधानी है, और ढाका इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी करेंसी इसकी टका है। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी को याद होगा कि 1971 में हमारा और पाकिस्तान का युद्ध होता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी से टक्कर लेने के कारण ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और एक नया देश बना था, बांग्लादेश। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से ही लगती है। और एक बात, त्रिपुरा को तीनों तीन तरफ से घेरे हुए है बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन, तिथि वश अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या 13 जुलाई? तो याद रखिए 12 जुलाई को ही मनाया जाता है। कब? 12 जुलाई को। और आपको बता दूं कि महिलाओं को कि संघर्ष के की प्रेरणा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और मलाला डे, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई के बेहतरीन काम के लिए उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन 16 साल की पाकिस्तान की मूल की मलाला यूसुफजई ने संयुक्त राष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए पर अपना मशहूर भाषण दिया था, उसी उन्हीं की याद में एक तरह से मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि मौत हो चुकी है? यानी कि क्रिकेट से जुड़े थे, या हॉकी से जुड़े थे, या फुटबॉल से जुड़े थे, या वॉलीबॉल, बताइए। तो याद रखिए क्रिकेट से जुड़े हुए थे। किससे? क्रिकेट से। और 11 अगस्त 1954 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे थे यशपाल साहब। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए मुझे लगता है। कि किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की हुई है, बताइए इसमें कौन लगाओगे? असम, गुजरात, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। तो याद रखिए असम लगाओगे, पहले ही आप लोगों को बता दिया था मैंने। और असम के बारे में अगर आपसे बात की जाए, अगर करें हम लोग, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को इसे का गठन किया गया था राज्य का, और इसकी राजधानी दिसपुर है। और आपको बता दूं यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है। और विधानसभा में यहाँ 126 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 14 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, याद क्या रख सकते हैं, रखिए, याद रखिए, रखना पड़ेगा। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, बताइए? जून की बात हो रही है। निकोलस पूरन वेस्टइंडीज के हैं, दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका के हैं, और डेवोन कॉनवे न्यूजीलैंड, राशिद खान अफगानिस्तान। तो याद रखिए इसमें डेवोन कॉनवे होंगे, न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। इन्हें आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है जून में। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश है। ठीक है, ये आप लोग। और आईसीसी की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़े।
अब पुरुष की बात हो गई तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? इसमें सॉफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की, एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया, स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज, कैथरीन ब्यूनट इंग्लैंड। तो याद रखिए सॉफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की है, ठीक है, इन्हें मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। ए ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। यूरोप में इंग्लैंड आप लोग सुन रहे हैं या नहीं? लंदन इसकी राजधानी है। चलते हैं आगे, चले हम लोग कि रुके, रुकने में कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए बोल रहे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल तो आप जानते हैं ना, हमारा पड़ोसी है नेपाल, और हमारे सांस्कृतिक संबंध काफी मिलते जुलते हैं। कभी कहते हैं कि नेपाल से सीता मैया का जुड़ाव रहा है, बुद्ध भगवान का जुड़ाव रहा है। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा, एकनाथ नकाल, रामवरण यादव। तो याद रखिए इसमें शेर बहादुर देउवा होंगे। और नेपाल के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा काठमांडू इसकी राजधानी है। क्या है? काठमांडू इसकी राजधानी है। और हिंदू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर उसके बाद बौद्ध आपको देखने को मिलेंगे, इस्लाम देखने को मिलेंगे, किरात ईसाई देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत, चाइना, जापान, रूस। तो याद रखिए इसमें जापान आपको बात करिए, भारत आपको याद रखना चाहिए, कि यो जापान तो हम बहुत याद रख रहे हैं। जापान तो बहुत याद रख रहे हैं। और याद रखिए इसका चीन को आपने देखा होगा 2023 की मेजबानी मिली हुई है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत होगा इसमें, ठीक है। हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर कप की मेजबानी मिली है? सुधीर कप की बात हो रही है, बताइए किसे मिली हुई है? रूस, रूस, चाइना, चीन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए रूस को मिली हुई है। किसे मिली है? रूस को मिली है। फिर से माफी चाहता हूं, बड़ी गलतियां हो रही हैं। किस लिए हो रही हैं? रूस, चाइना, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें चाइना को मिली हुई है। किसे? चाइना को मिली हुई है। और हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 के लिए BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली। इसके साथ ही चीन को BWF सुंदरी रमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। कभी कभी एक साथ दो काम करो तो हो ही जाता है ऐसा, समझ रहे हैं कि नहीं होता है? आपको क्या लगता है बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आगे चलते हैं, कौन ओलंपिक में जिमनास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? मोहसिन खान, अशोक दिवाकर, रंजन देसाई, दीपक कावरा। तो याद रखिए दीपक कावरा होंगे इसमें, दीपक कावरा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो याद रखिए गुजरात होगा इसमें। क्या होगा? गुजरात होगा आपका। गुजरात में मिली है इसकी मंजूरी। अगर एनटीपीसी के बारे में बात करें तो आप सभी को बता दूं 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम है पूरा, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहीं से हैं। इसका राज्य के गठन की बात करें तो 1 मई 1960 में इसे गठन
राज्य बनाया गया था। 182 सीटें लोकसभा, 182 सीटें विधानसभा में यहाँ देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चले अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 18 जुलाई? तो याद रखिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसे मनाने की अगर उद्देश्य की बात करें तो एक तरह से देखिए यही इसका उद्देश्य है कि युवाओं की तरह तरह स्किल्स के बारे में बात की जाए युवाओं से, और उन्हें आगे बढ़ाने में एक तरह से योजनाएं लाई जाएं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए जिससे रोजगार उन्हें उपलब्ध हो सके। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2014 में हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस कौशल दिवस मनाने का फैसला लिया था एक तरह से, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो युवा कौशल पोस्ट महामारी के पुनर्कल्पना इस बार की थीम रखी गई है, इसलिए भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस शहर में भारत का पहला ग्रीन एटीएम खुला है? किस शहर में भारत का पहला ग्रीन एटीएम खुला है? आगरा, जोधपुर, गुरुग्राम, शिमला? तो याद रखिए गुरुग्राम होगा इसमें, क्या होगा? गुरुग्राम होगा, पहला ग्रीन एटीएम की बात हो रही, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में पहला, भारत का पहला ग्रीन एटीएम खुला है, और एक नई पहल है इसके तहत ग्रीन एटीएम लगाए गए, और यानी कि आप एटीएम की मदद से 5 मिनट में अनाज निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, और जिसमें पैसों की जगह अनाज निकलेगा। हरियाणा के बारे में बात करें आप सभी को मालूम होना चाहिए, हरियाणा हमारा राज्य है, और 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य बनाया गया था, आप सभी को मालूम होगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ की नेता है, क्या मुख्यमंत्री है। 90 सीटें आपको विधानसभा में देखेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है आपके हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 10-17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 23%, 28% या 30% या 33%? तो याद रखिए 28% कर दिया, कितना? 28% कर दिया है केंद्र सरकार ने। और आपको बता दूं केंद्र सरकार ने 2000 मार्च 2020 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था, लेकिन COVID-19 महामारी की वजह से अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। ये रोक जून 2021 तक के लिए लागू कर दी गई थी, अब सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए ये रोक हटा दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार? तो याद रखिए कर्नाटक ने की हुई है, किसमें? कर्नाटक ने की हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, चार्जिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही है, वरना बड़ी सस्ती है, और आप देखिए अच्छा कार्बन भी हम लोग प्रदूषण को भी रोक सकते हैं अगर चार्जिंग की व्यवस्था हो जाए। कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? बहरीन, यूएई, कुवैत और आपका ओमान? तो याद रखिए यूएई होगा इसमें, क्या होगा? यूएई होगा खाड़ी देश जहाँ से हम लोग तेल आयात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मम नून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है? पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे या कुवैत के थे? तो याद रखिए बांग्ला, ये पाकिस्तान के थे, और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो एक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान कहाँ चला गया, अलग देश बन गया था। और आप सभी जानते हैं कि हमें किस तरह से आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देता है, ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पोड टैक्सी लगे चलेगी? जयपुर, नोएडा, सूरत, भोपाल। तो याद रखिए नोएडा में चलेगी ये। कहाँ चलेगी? नोएडा में चलेगी। नोएडा, नोएडा एयरपोर्ट से फिल्मी सिटी के बीच चलेगी, और नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही और यह ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। और बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसको ईडा के सेक्टरों में भी इसका ट्रक ले जाने की शुरुआत डीपीआर ने किया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तिथि बस विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? न्याय दिवस, आप देखते हैं कि हमारे देश में कहने के लिए सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन किस तरह से भेदभाव किया जाता है आप सभी जानते हैं। सबके साथ न्याय हो ही नहीं पाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात हो रही है, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। तो याद रखिए 17 जुलाई को मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है ये। और एक तरह से लोगों को जागरूक किया जाए इसमें, और क्योंकि 17 जुलाई 1988 को दुनिया के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया था, इसे रोम इंस्टीट्यूट भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े चले आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वह कौन थे? पत्रकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, चित्रकार थे? तो याद रखिए वो पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दानिश सिद्दीकी। ए अफगानिस्तान में रॉयटर्स की फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूद हालत को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे, पुलित्जर पुरस्कार भी जो जीत चुके थे ये। ठीक है, अफगानिस्तान में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते। हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? रांची, पटना, देहरादून, ग्वालियर? बताइए। तो याद रखिए इसमें पटना में बनेगा, पटना में आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन अंतर्राष्ट्रीय मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात हो रही है, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। तो याद रखिए 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को दुनिया भर में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की आपको मालूम होना चाहिए, नेल्सन मंडेला थे, और इन्हें वहाँ का पिता भी कहा जाता है, शांति और के लिए और रंगभेद के लिए इन्होंने अच्छा काम भी किया हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित तो हमारे गांधी जी का भी रहा है। और 18 जुलाई 1918 में इनका जन्म हुआ था, 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। नोबल पीस पुरस्कार भी इन्हें मिला था शांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, या जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, और जम्मू और लद्दाख हाईकोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और लद्दाख को आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, लेकिन लद्दाख में आपकी कोई विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह एक तरह से आपकी विधानसभा भी देखने को आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसमें कह रहा है मंडेला, ऑक्सीजन, टाइटेन, यस डे। तो याद रखिए टाइटेन को मिला हुआ है। किसे मिला है? टाई 10 को मिला हुआ है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का पुरस्कार ये। आप लोग इसके निर्देशक की बात करें तो जूलिया डुकोनो इसके कौन थे? निर्देशक थे इस फिल्म के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? आप समझ रहे हैं, भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। तो
इसमें अरोही खन्ना, वर्षा माथुर, रीतिका मैथ्यू, सीमा नंदा। तो याद रखिए सीमा नंदा होंगी। एक बात और आपको बता देता हूँ कि देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया भर में हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, ये भारतीय मूल के लोग तो राज कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं कमला हैरिस। तो डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की हुई है? पंजाब सरकार ने, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो याद रखिए राजस्थान सरकार ने ये योजना चलाई हुई है। और राजस्थान के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ एक बार कि इसकी राजधानी क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों से यही पूछ ले, तो याद रखिए इसकी राजधानी है जयपुर। और यहाँ आप लोगों को विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें, और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात हो रही है। इसमें पहला ऑप्शन आपसे के सामने है 20 जुलाई, 21 जुलाई, या 17 जुलाई, या 18 जुलाई। तो आप लोग बताइए। तो याद रखिए 20 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही इसका रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए इसे अगर हम लोग बताएं तो 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने इसकी घोषणा की थी, स्थापना की थी। और 20 जुलाई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। और 1966 से हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ दो संगठनों का उल्लेख भी हुआ है, तो उनके बारे में बता देते हैं। एक तो आप देखिए शतरंज के बारे में, इंटरनेशनल द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में, तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में, और स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात आई है यूनेस्को की, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व गोलकीपर को मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया है? चुन्नी गोस्वामी, मनी तोम्बी सिंह, शिवाजी बनर्जी, रणजीत सिंह, बताइए किसे दिया गया है? कुछ बता पाओगे? तो ये थे शिवाजी बनर्जी। ठीक है, शिवाजी बनर्जी को। शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल में ही एससीएल कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? एससीएल कंपनी के बारे में आप लोग सुने हो या नहीं सुने हो? और नहीं सुने हो तब मुझे ही बताना पड़ेगा, बता देता हूं एससीएल कंपनी के बारे में। और इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे? एम साईनाथ, सी विजय कुमार, और के वेणुगोपाल, जेपी देसाई। तो याद रखिए सी विजय कुमार होंगे इसमें। ठीक है, और एससीएल के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये आपकी एक कंपनी है, एससीएल कंपनी, सुने हो, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसके बारे में सुन लिया करो ना सुने हो तो। इसकी स्थापना की बात करें तो 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान, पंजाब, या मणिपुर, या महाराष्ट्र? तो याद रखिए इसमें महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसमें, ब्लॉकचेन तकनीक। और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है,
और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेजों की जालसाजी से बचा जा सके, रोका जा सके इसे। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी राजधानी मुंबई है, क्या है, मुंबई है, और नागपुर इसकी विंटर राजधानी है। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था, और 1 मई को आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं। यहाँ आपको विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद भी यहाँ तो 78 सीटें विधान परिषद में है, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं, और उद्धव ठाकरे यहाँ के अभी मुख्यमंत्री है शिवसेना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा आपका। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके द्वारा एक तरह से भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा में रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, मुख्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने के का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? झज्जर, नोएडा, शिमला, आगरा? तो याद रखिए नोएडा में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX यानी कि AMLEX नाम की ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया हुआ है? बताइए IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की? तो कौन होगा? IIT रोपड़ होगा इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कोरोना महामारी में आप लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। ठीक है, तो IIT रोपड़ संस्थान ने ऐसी डिवाइस विकसित की है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को बर्बाद होने से बचाएगी, और इस डिवाइस का नाम AMLEX होगा। आपको बता दें कि इस संस्थान के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के PhD छात्रों, जिसमें मोहित कुमार, रविंद्र कुमार, अमन प्रीतचंद, इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष साहनी की दिशा निर्देश से ये विकसित किया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के एलन गार्सिया, मैसिडीज टेरो, पेड्रो कास्टिलो, अर्बेटो जोसिंडा? तो याद रखिए पेड्रो कास्टिलो होगे इसमें। ठीक है, पेरू आप सुने हैं पेरू के बारे में, एक देश है पेरू, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, लीमा इसकी राजधानी है, कैपिटल है। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? बताओ, इतना लंबा पूछ लेता है, 2032 का पूछ रहा है, बताइए। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को मिली हुई है, किसे? ऑस्ट्रेलिया को मिली हुई है ये मेजबानी। और इससे पहले आपको बताऊं कि मेलबर्न में भी 1956 में और सिडनी में साल 2000 में ओलंपिक खेल आयोजन हो चुका है इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप सभी को मालूम होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? इसकी राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, सबसे बड़ा नगर आप लोगों ने सुना होगा सिडनी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के बारे में बात करें, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर MPPSC में कई बार पूछ लिया है, एक बार अभी पूछा गया था लास्ट टाइम। कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए ऑप्शन क्या रहा है? एरियल हेनरी, डेविड फेरे, टॉम एजीजी, एलो एनो डोनाल्ड?
तो याद रखिए एरियल हेनरी होंगे इसमें। और हैती के बारे, हैती सुने हैं, करीबियाई देश है ये, ठीक है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खोला है? न्यूयॉर्क में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, एम्स्टर्डम में। तो याद रखिए ये कहाँ होगा, एम्स्टर्डम में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क या दिमाग, दिमाग आप जानते हैं, मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, बताइए इसके बारे में कुछ। तो याद रखिए 22 जुलाई को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 जुलाई को। और इसके बारे में अगर कुछ और आपको जानकारी दूं तो दिमागी सेहत के प्रति लोग जागरूक रहें, योगा वेगा करते रहें, दौड़ मौड़ करते रहें, तनाव भरी जिंदगी से दूर रहें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसे मनाया जाता है कि लोग जागरूक रहें, समझ रहे हैं? ये भी आप लोग याद रखा करिएगा थोड़ा बहुत। राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस सुने हो, 22 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इस बार की थीम की बात करें तो स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस बार की थीम रखी गई थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात हो रही है, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 21 जुलाई, या फिर आपको बताऊं 25 जुलाई, बताइए कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को ये मनाया जाता है, कब, 23 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात हो रही है, कब मनाते हैं, 23 जुलाई को किसे मनाते हैं दुनिया भर में, ठीक है। और 1927 में इस दिन बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया गया था, और तब इस स्टेशन का स्वामित्व एक निजी कंपनी के पास था जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण को अपने नियंत्रण में लेके और इसका नाम बदलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया गया था। बाद में 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और ऑल इंडिया को 1957 के बाद से आकाशवाणी से आप लोग जाने लगे थे। और भारत में 23 भाषाओं के लगभग 479 ऑल इंडिया रेलवे रेडियो स्टेशन, लगभग 179 क्षेत्रीय भाषाओं में अपने कार्यक्रम जारी करता है, और इसका आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 मिला है? सुनील छेत्री, सुब्रता पाल, संदेश झिंगन, उदंता सिंह। तो याद रखिए इसमें संदेश झिंगन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे IIF महिला माफ करिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-2021 पुरस्कार मिला है? अदिति चौहान, बाला देवी, असल लाता देवी, रश्मिता मालिक। तो याद रखिए बाला देवी होंगी इसमें, कौन होगी, बाला देवी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका पूरा नाम है, 1948 में एक तरह से इसका 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, कभी तो जाए तो देख के आइएगा। भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा गंभीर थी अम्मा का कितने वर्ष में, भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है? 105, 107, 109, 111। तो 107 वर्ष में छात्रा, उम्र दराज छात्रा, आप समझ रहे हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और भागीरथी अम्मा ने केरल में 105 साल की उम्र में साक्षरता यानी कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनी थी, और अम्मा ने 2019 में राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित चौथी कक्षा की समकक्ष
परीक्षा भी उत्तीर्ण करके सबसे उम्र दराज छात्रा बनने का इतिहास भी रचा था। कहाँ? केरल में। और आपको मालूम होगा कि केरल एक साक्षरता के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, काफी अच्छा राज्य माना जाता है। और केरल के बारे में कुछ और पॉइंट आपको अगर बताया जाए तो 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। और यहाँ की अभी अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में यहाँ 20 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। तिथि वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। और पहला इसमें ऑप्शन 26 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई या 27 जुलाई। तो याद रखिए 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्या करते हैं, इसे मनाते हैं हम लोग। और इसे देखिए एक तरह से आपने सभी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि 1999 में जो कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया हुए थे ना, उसके बाद आपने देखा है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तो उसी की याद में एक तरह से 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं हम लोग। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? नरेंद्र रणवीर, वॉनी फेस फेस प्रभु, प्रमोद भगत, शेखर नायक, प्रमोद भगत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन, सिंगापुर, रूस, ताइवान। चीन। किसने जीता है? चीन ने जीता है। चीन ने क्या किया है? यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? फारूक अहमद, यूसुफ अली, अनवर अली, लियाकत अली। तो याद रखिए यूसुफ अली बने हैं इसके। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की हुई है? उड़ीसा, मेघालय, असम, बिहार। तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा इससे ज्यादा आपदा से प्रभावित रहता है, तो आपदा उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, उड़ीसा को 26 जनवरी 1950 को राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर देखने को मिलेगी। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 147 सीटें, 147 सीटें विधानसभा में देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में यहाँ 20 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक। तो या तो याद रख सकते हैं। भारत भर में यानी कि पूरे भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सीआरपीएफ की बात हो रही है और आपके सामने 23 जुलाई है, 26 जुलाई है और 27 जुलाई है, 29 जुलाई है। तो बताइए, तो याद रखिए इसमें कब कितना होगा, 27 जुलाई होगा। ठीक है। आपको बता दूं, देखिए जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। ठीक है, 1939 में। और इसी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना दिवस को हम लोग आपका सेंट्रल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? रमप्पा मंदिर की बात हो रही है, विश्व यूनेस्को की साइट में एक तरह से इन्होंने शामिल किया है। कहाँ का है ये मंदिर? उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। तो याद रखिए तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है रमप्पा मंदिर। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और बता दें कि ये वारंगल में स्थित वह ऐसे मंदिर का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके नाम इसके शिल्पकार रमप्पा के नाम पर रखा गया है। काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया था, रमप्पा मंदिर का। ये आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है ना, इसलिए जरूरी रहता है। 39वां स्थल है ये, समझ रहे हैं, भारत का।
39वां स्थल बन चुका है। रमप्पा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगर तेलंगाना के बारे में कुछ बता देता हूं, आप सभी को मालूम होगा कि 2 जून 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो विधान परिषद में 40 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 17 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। कौन ड्रिंक ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? जलगांव महाराष्ट्र, पुरी उड़ीसा और बूंदी राजस्थान, गांधीनगर गुजरात। तो याद रखिए पुरी उड़ीसा बना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टैप द्वारा शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया है। अब पुरी शहर के सभी लोगों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल यानी कि पानी मिल सकेगा। इस सुविधा के आरंभ से पुरी वासियों को अपने घर में फिल्टर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से शुद्ध पेयजल ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, वरना आप देखिए कितना गंदा पानी पीना पड़ता है हमारे देश के कई क्षेत्रों में लोगों को। कौन व्यक्ति नागरिक उड्डयन रोग सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? नासिर कमल, जमन राव, अजय शेखावत, राजेश पांडे। तो याद रखिए नासिर कमल ठीक है होंगे इसमें। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात करें तो जनवरी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। तिथि वर्ष यानी कि हर साल विश्व है तिथि वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 26 जुलाई। तो याद रखिए 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आपका कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं इसे। और इसकी अगर हम लोग और पॉइंटों की बात करें, थीम हो गई, और ये पहली बार कब मनाया गया था, समझ रहे हैं? तो इसकी इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी जाती है क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक विलमबर्ग का जन्मदिन इस दिन पड़ता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज इन्होंने की थी, तो उन्हीं के जन्मदिन को एक तरह से इसे मना लेते हैं। और हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद होते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और थीम की बात करें तो आपको बता दूं कि 2021 की थीम रखी गई हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपकी थीम रखी गई है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को वैश्विक मान्यता 10 मई 2010 को मिली थी इसके। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, बताइए। केपी बोप्पाई, केवी कोलीवाड, वसवराज बुम्बई, बी सी नागेश। तो याद रखिए वसवराज बुम्बई होंगे इसमें, वसवराज बुम्बई होंगे इसमें। 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य बनाया गया था कर्नाटक को, और बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और यहाँ के बसवराज बुम्बई भाजपा की एक तरह से मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद भी है और विधानसभा है। विधान परिषद में यहाँ 75 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ 225 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 28 सीटें देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तिथिवश विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस। आप देखिए प्रकृति को एक तरह से सजा के रखें हम लोग, बचा के रखें, इसलिए मनाया जाता है कब। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि उन जानवरों और पेड़ों को संरक्षण करना जो पृथ्वी प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इनका खत्म होता जा रहा है। और इसकी अगर हम लोग कुछ थीम की बात की जा रही थी,
28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की थीम के साथ ही मनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? कौन व्यक्ति दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? जगदीश माथुर, नीलेश बिंद्रा, अजय पाठक, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना होंगे। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली जब पुलिस कमिश्नर बनाए गए तो ये काफी चर्चा में भी रहे थे, और इससे पहले भी आप ये काफी विवाद में रहे थे, राकेश अस्थाना। और दिल्ली की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए हमारी राजधानी है, और यहाँ के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ विधानसभा सीटें आपको 70 देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? फिलीपींस, बुल्गारिया, यूक्रेन और ब्राजील। तो याद रखिए फिलीपींस होगा इसमें। ठीक है, चावल की बात हो रही है, और ये आपको दक्षिण चीन सागर के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये फिलीपींस। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया का स्थित एक देश है, मनीला इसकी राजधानी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 1888 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है? किस खेल से जुड़े थे? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो याद रखिए आपकी नंदू नाटेकर बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। किससे? बैडमिंटन से जुड़े हुए थे, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन ट्रांसजेंडर? आप सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडरों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, अब काफी इनकी स्थिति सुधर रही है। केरल, असम, बिहार, कर्नाटक। तो याद रखिए कर्नाटक होगा इसमें। कर्नाटक सरकार एक तरह से इन्हें ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में समुदाय को एक तरह से आरक्षण देने की बात हो रही है, 1% आरक्षण तय किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब मिकाती लेबनान, थाईलैंड, तंजानिया, मिस्र। तो याद रखिए लेबनान होंगे। कौन होंगे? लेबनान होंगे, लेबनान की ये आपके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा ये। बेरूत इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई। तो आप सभी को मालूम होगा 29 जुलाई को ही मनाया जाता है, और एक तरह से इस बार की थीम रखी गई बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में, इसके साथ ही इसकी थीम रखी गई है। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, रखोगे या नहीं? ये 2020 की थीम की बात कर रहा हूं, और अगर हम लोग इसकी 21 की बात की जाए उनकी उत्तर जीविता हमारे हाथों में इस बार की थीम रही है। ठीक है, और 29 जुलाई 2010 को पहली बार ये मनाया गया था, और अभी आप देखिए 2018 में इसकी जनगणना हुई थी, 2967 थे हमारे बाघ हमारे देश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी आप लोग कह देते हैं। किस मिस इंडिया यूएसए 2021 का किताब जीता है? किसने? मिस इंडिया यूएसए 2021 का मीरा कासारी, पल्लवी माथुर, वेदेही डोंगरे, उदंता चोपड़ा। तो याद रखिए वेदेही डोंगरे होंगे इसमें। ठीक है,
कौन व्यक्ति अमेरिकी कंपनी सलाइकर कंपनी कॉलियर्स के भारत के लिए सीईओ बने हैं? रमेश नायर, लोकेश पवार, लक्ष्मण देसाई, राजपाल सिन्हा? बताइए इसके। तो याद रखिए इसमें रमेश नायर बने हुए हैं, और इसकी कॉलियर्स इंटरनेशनल कंपनी की बात करें तो ये रियल एस्टेट की कंपनी है, और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और टोरंटो टोरंटो कनाडा में इसका मुख्यालय, आप लोगों को टोरंटो कनाडा में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है? पिंक प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो याद रखिए केरल ने किया हुआ है, अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, समझ रहे हैं? आप देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह से उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो उसी को देखते हुए केरल सरकार ने, एक तरह से केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक और निजी स्थानों पर साइबर और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइक हेंड्रिक का 72 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है? इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे या न्यूजीलैंड, आयरलैंड? तो याद रखिए इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कोरोना महामारी में दुनिया में आपने देखा है सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, और 22 अक्टूबर 1948 को इनकी इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया हुआ है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो याद रखिए राजस्थान ने किया हुआ है मिशन मिशन निर्यातक बनो। एक तरह से आप देखिए निर्यातक मतलब होता है कि बेचना, आयातक मतलब होता है कि हम दूसरे से खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है इसमें आपका 31 जुलाई, 1 अगस्त, या फिर आपका 3 जुलाई, 3 अगस्त? तो याद रखिए इसमें 31 जुलाई होगा, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दुनिया भर में मनाया जाता है, और इसे मनाने का ड्यूटी पर जो रेंजर रहते हैं इन पर घायल या मारे गए उनकी याद में एक तरह से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के क्रिकेटर इसुरू उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? श्रीलंका के थे, बांग्लादेश के थे, अफगानिस्तान के थे या इंग्लैंड के थे? तो याद रखिए श्रीलंका के थे। कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। हुई घोषणा के अनुसार किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या जायरस पूनावाला? तो याद रखिए सायरस पूनावाला को ये मिलेगा, सायरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक के बारे में आप लोग सुने कि नहीं सुने हो? तो जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है, और यह पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सायरस पूनावाला को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने आपने देखा है कि कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम भी किया हुआ है, तो ये आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और ये आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिए एक तिलक साहब के, लोकमान तिलक के बारे में बात करें, इनकी पुण्यतिथि के दिन ये दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आप लोग जानते हैं ना, इन्हें ही लोक तिलक कहते हैं। और इन्हें 23 जुलाई 1856 में इसका इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 में, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। कौन व्यक्ति जो अशोक कुमार जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उपप्रमुख बने हैं? बताइए एक दो क्वेश्चंस इस महीने के उस महीने में होते रहते हैं। पी के श्रीवास्तव, जी एस मुंगिया, एस एन घोरमड़ी, आर के घोर मड़े और आर के सलूजा? तो याद रखिए एस एन घोर मड़े होंगे इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें, क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। किसे नया लेखा महानियंत्रक CAG नियुक्त किया गया है? CAG की बात हो रही है, लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, तो इसमें आप लोग देखें CAG,
कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस, सुने हो इसके बारे में या नहीं सुने हो? तो अशोक श्रीधर, सीता राम मीणा, दीपक दास, या फिर आप देखिए प्रभु दयाल घोष, प्रभु दयाल मेघ, कौन होंगे इसमें? तो याद रखिए इसमें होंगे आपके दीपक दास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, समझ रहे हैं? 1900 से एक तरह से सीएजी की तुलना की जाती है हमारे यहाँ के। संविधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की बात की गई है। अनुच्छेद 149 आप देखते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1958 में स्थापित होता है, आप समझ रहे हैं। 1960 में सर एडवर्ड डेमंड को पहले ऑडिटर जनरल नियुक्त किया जाता है। 1966 में आप देखेंगे इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया जाता है। 1984 में से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में मनोनामित किया जाता है। फिर आप भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, इसके तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति कर दिया जाता है, इस पद को वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, इस संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दे देता है। और 1936 के लेखा और लेखा परीक्षक आदेश में महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षक कार्यों का प्रावधान करता है। यह 1947 तक अपरिवर्तित रहती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। 1958 में आपने देखा है कि सीएजी के क्षेत्राधिकार को जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया था। और वैसे आप देखिए वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो बाकी राज्यों में जम्मू कश्मीर में भी होंगे, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। 1971 में देखेंगे केंद्र सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया, ठीक है। 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया, तो ये आप देख भी सकते हैं। और इनकी अगर हम लोग बात करें सीएजी की, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, दोनों में से जो भी पहले हो, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। तो ये कहानी रही है आपकी जुलाई महीने की, जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं रही हैं उनकी, और जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं में जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके देखा है। जुलाई के बाद अगस्त महीने में हम लोग फिर मिलते हैं, आप लोग तब एंजॉय करिए। हम लोग अगस्त महीने की सभी जो भी करंट की घटनाएं हैं उनके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि के लिए, तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।